आइसोमेरिज्म चल रहा था उसमें हमने क्या पढ़ाया था, आरएस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। एक तो एग्जांपल बताओ फिर आगे पढ़ते हैं। आरएस कॉन्फ़िगरेशन में आप एक एग्जांपल बता दो जरा, ये करो ओ एच या सी एच थ्री या सी एच ओ या सी ओ एच, यहाँ पर ओ एच और ये सी एच थ्री, जल्दी बताओ आर होगा एस होगा क्या होगा। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव है। देखो फाइंड करो जरा, देखो ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड कौन सी, ये और ये फोर्थ। तो फर्स्ट से सेकंड की तरफ जाते हैं, फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड, है ना। और क्या होना चाहिए आर, लेकिन क्या हो जाएगा क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, तो जो आ रहा है उसका रिवर्स कर देते हैं। नीचे ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा, फर्स्ट से सेकंड की तरफ क्या होना चाहिए था आर, पर क्या होगा एस। ऑप्टिकली एक्टिव होगा इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो आपको मालूम चल गया होगा एनेंशियोमर क्या होते हैं, डाइस्ट्रीब्यूमर्स क्या होते हैं, है ना, कौन आइडेंटिकल होंगे, है ना। मैक्सिमम लोगों ने क्वेश्चंस भी बुकलेट भी कर लिए। अब लिखो आर एंड एस इन वेज एंड एस, आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन, आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन, इन वेज एंड डैश, वेज एंड डैश, आर एंड एस एंड एस कॉन्फ़िगरेशन इन वेज एंड डैश। देखो वेज एंड डैश ऐसी है, सी एच सी एच थ्री एच और ओ एच, ये वेज एंड डैश है। क्या कह रहा है सर, क्लास लिंक से नहीं आ रही क्या है? अच्छा सर, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन आर एंड एस एंड डेक्सट्रो एंड लिवो? कोई रिलेशन नहीं है बेटा, डेक्स्ट्रो और लिवो और आर और एस का कोई रिलेशन नहीं है। हो सकता है आर वाला किसी केस में डी ओ, किसी केस में एल ओ, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। हाँ देखो ये होगा फर्स्ट, है ना, ये होगा सेकंड, ये होगा थर्ड, फर्स्ट से सेकंड की तरफ जाते हैं, फोर्थ का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फर्स्ट से कहा जाएंगे सेकंड की तरफ, तो फर्स्ट से सेकंड की तरफ जा रहे हैं, फिर थर्ड आ रहा है, क्या होना चाहिए तो आर ही होगा। पर कंडीशन क्या होती है इसमें, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होना चाहिए ब्लू द प्लेन, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहा होना चाहिए, लोएस्ट प्रायोरिटी कहा होना चाहिए ब्लू द प्लेन। अगर नहीं है तो फिर इवन इंटरचेंज करके लेके आओ, अगर नहीं है तो इवन इंटरचेंज करके लेके आओ, ठीक है। करें एग्जांपल दूसरा कोई, देखो जैसे ये हो गया, इसको ले लो आप ओ एच, इसको ले लो आप एच सी ओ एच और सी एच थ्री, चलो बताओ जरा क्या होगा, इवन इंटरचेंज करोगे, कर दो इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये आया यहाँ सी एच थ्री, ये आया यहाँ सी ओ एच और यहाँ पर क्या आ गया एच और यहाँ पर आ गया ओ एच। अब जो कोई वन होगा
ये टू होगा, ये थ्री होगा और ये होगा फोर. तो क्या हो गया है? एस. तो मतलब ये भी क्या है? एस. इवन इंटरचेंज करके सेम आता है कंपाउंड, है ना? इजी है भाई. फिशर प्रोजेक्शन में क्या होना चाहिए था? लोएस्ट टू प्रायोरिटी ग्रुप नहीं है तो क्या करते थे? इवन इंटरचेंज करके लेके आते थे. इसमें क्या होना चाहिए? ब्लो द प्लेन. नहीं है तो क्या करोगे? इवन इंटरचेंज करोगे. सर पहला वाला दोनों बेटा एक ही है. ये वो ऐसा तो ये भी ऐसा हमने इवन इंटरचेंज करके बनाया है ना. वो इवन इंटरचेंज करते हैं ग्रुप्स का तो सेम ही कंपाउंड बनता है. ये था आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. कायरल कंपाउंड जिनमें कायरल एटम नहीं है हो गया एग्जांपल. यस सर. डाइस्टोमर हो गया. रेसिपी मिक्सचर क्या होता है बता दिया. यस सर. है ना. यस. चलो फिर आगे लिखो. कैपिटल डी एंड कैपिटल एल. कैपिटल डी एंड कैपिटल एल. देखो ये भी कॉन्फ़िगरेशन है आर और एस की तरह ना. ये भी कॉन्फ़िगरेशन है. कैपिटल डी कैपिटल एल. कैपिटल डी कैपिटल एल और स्मॉल डी स्मॉल एल में कोई रिलेशन नहीं है. स्मॉल डी स्मॉल एल क्या है? टेक्स्ट और डीवो, है ना. वो कैसे मालूम चलता है? कंपाउंड को एक्सपेरिमेंटल चेक करते हैं बाय यूज ऑफ पोलरीमीटर. अगर बीबीएल के प्लेन को राइट में रोटेट कर रहा है कंपाउंड तो क्या होगा? टेक्स्ट. लेफ्ट में रोटेट कर रहा है तो क्या होगा? लीवो. क्लियर बात है. लेकिन जैसे आर और एस है तो कंपाउंड को देख के बता लेते हैं. आर और एस कॉन्फ़िगरेशन किस में बताते हैं? कायरल एटम के अराउंड. ऐसे ई और जेड किस में बताते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में. वो भी हम कंपाउंड को देख के बताते हैं. लेकिन स्मॉल डी स्मॉल एल कंपाउंड को देख के मालूम नहीं चलेगा. कंपाउंड डेक्स्ट्रो है लीवो है कैसे मालूम चलेगा? बाय यूज ऑफ पोलरी मीटर. लेकिन कैपिटल डी कैपिटल एल आर और एस की तरह ही कॉन्फ़िगरेशन है. ये कंपाउंड को देख के मालूम चल जाता है. और ये किन कंपाउंड में एप्लीकेबल होता है? कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड में. लिख लेना कार्बो हाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड. कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड में. ठीक है. जैसे कार्बोहाइड्रेट ये हो गया सी एच ओ एच ओ एच और सी एच टू ओ एच. यह ट्रायोज. देखो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बेटा सुन लेना. बायोमोलिक्यूल में बायो वाले ने तो बहुत डिटेल में पढ़ाई लेकिन नॉन मेडिकल वालों का ये चैप्टर आता है बायोमोलिक्यूल 12th क्लास में और इंपॉर्टेंट चैप्टर भी अभी थोड़ा थोड़ा मालूम चलेगा. तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और एल्डिहाइड. इन्हें क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट. अब देखो ये ऑप्टिकली एक्टिव है. इसमें कायरल एटम है और कंपाउंड भी कायरल है. इसमें किसी तरह की कोई सिमेट्री नहीं है. तो इसका नाम क्या होता है? ग्लिसरल्डिहाइड. ये स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है. ना इसको बोलते हैं ट्रायोज. एक दो तीन कार्बन है. एक ऑप्टिकली एक्टिव है. फिर दोबारा डेफिनेशन सुनो. ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन किसकी? कार्बोहाइड्रेट की. क्या होता है लिख लो जरा थोड़ी स्पीड से. ऑप्टिकली एक्टिव पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन और कीटोन है ना. एल्डिहाइड और कीटोन इन्हें क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट ये तो क्या है? कायरल है. इसमें कोई पहला होगा ये दूसरा तीसरा और ये चौथा. आर हो गए एस हो गए? बताओ की तरफ जाएंगे. क्या होना चाहिए था? एस. और क्या हो जाएगा? आर. अब ये कार्बोहाइड्रेट है. डी होगा एल. अब ध्यान रखना अगर सी एच ओ ऊपर है ये नीचे है ओ एच राइट हैंड साइड में है तो क्या बोल देंगे इसको? कैपिटल डी. ये ऑप्टिकली एक्टिव वाला है कायरल एटम वाला. CH2OH नीचे CHO ऊपर. ध्यान रखना CHO ऊपर CH2OH नीचे. अगर OH राइट हैंड साइड में है तो क्या बोलेंगे? कैपिटल D. और लेफ्ट में है तो कैपिटल L. ये राइट में है तो कैपिटल B. लेफ्ट में है तो कैपिटल L. OH. ठीक है. और ये किस में एप्लीकेबल होगा? कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड में.
थोड़ा नोट करो जरा, ये तो ऊपर नीचे होनी चाहिए, जैसे ये देखो ये ओ एच है, एच है ये सी एच टू ओ एच और ये सी एच ओ है, ये दे रखा है। अब क्या होगा, कैपिटल एल होगा, कैपिटल डी होगा, बाय वाले बताओ। चलो अब ये बताओ ना क्या होगा, कैपिटल डी है कैपिटल एल है, कैसे नहीं भैया, आर और एस और कैपिटल डी कैपिटल एल में कोई रिलेशन नहीं है, लिखो कोई संबंध नहीं है। हाँ देखो ऑनलाइन वालों ने बता दिया, बहुत बढ़िया सर, इवर इंटरचेंज कर दो इसमें भी। तुम्हें क्या लाना है, सी एच ओ ऊपर सी एच टू एच नीचे लेके आना है ना, तो क्या करोगे इवन इंटरचेंज करोगे आप, इसको और इसको इंटरचेंज करो, फिर इसको और इसको कर दो, देखो ऐसे करो ऐसे, इसको इधर लेके आओ सी एच टू एच, एच को यहाँ लेके जाओ, सी एच ओ को यहाँ ही पटक दो, ओ एच यहाँ पर, एक बार इंटरचेंज, अब इन दोनों को इंटरचेंज करो तो क्या हो गया, ये यहाँ हो गया ओ एच, यहाँ हो गया सी एच टू ओ एच, और यहाँ पर क्या है एच है और ये क्या है सी एच ओ, तो क्या होगा ये कैपिटल डी, तो ये भी क्या होगा कैपिटल डी। ठीक है भाई, समझ में आया, यस और नो? बताओ क्या है, क्या है क्या हाँ, इसमें क्या करोगे इवन इंटरचेंज या 180 रोटेट कर दो, 180 रोटेशन से सेम ही आता है, 180 रोटेट कर दो या इवन इंटरचेंज, तो इसका इसके साथ कर दोगे और इसका इसके साथ कर दोगे। मैंने क्या बताया भैया, सी एच ऊपर होना चाहिए, सी एच टू एच नीचे होना चाहिए, है ना, तो क्या हो गया ये हेल हो गया। चलो करो जल्दी, इजी है, लेकिन ये ध्यान रखना कि कोई रिलेशन नहीं है कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल एल स्मॉल एल में, हेल हो गए। देखो भाई क्या होगा, ये हो गया हेल होगा। चलो आगे देखो और करते हैं एग्जांपल, सी एच ओ एच ओ एच ओ एच 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 ओ एच एच ओ एच और सी एच टू एच, क्या है ये ग्लूकोज है ना, बायो वाले अच्छे जानते होंगे ग्लूकोज, ये ग्लूकोज कितने कार्बन एटम है इसके अंदर, एक दो तीन चार, चार कार्बन एटम है, है ना, ये फिशर प्रोजेक्शन है ग्लूकोज का, ओपन चेन है ग्लूकोज की। इसमें देखो इस कार्बन से देखते हैं, ठीक है, इस कार्बन से सी एच ओ ऊपर ही होना चाहिए और नीचे सी एच टू एच होना चाहिए, और नीचे वाला जो कार्बन है उसमें ओ एच राइट हैंड साइड में, तो कैपिटल डी, तो क्या बोलेंगे कैपिटल डी, स्मॉल डी नहीं ध्रुव गर, कैपिटल डी बड़ा, सी एच टू एच नीचे होना चाहिए, सी एच ओ ऊपर होना चाहिए, और नीचे वाला जो कायरल एटम है, ये तो कायरल नहीं है, नीचे वाला जो कायरल एटम है उसमें ओ एच अगर राइट हैंड साइड में है तो क्या बोलेंगे कैपिटल डी, लेफ्ट में तो क्या बोलेंगे कैपिटल एल। सर अल्फा और बीटा नहीं, क्या है, अच्छा वो रिंग में होता है यार, अल्फा और बीटा वही बताएंगे अभी, नीचे वाले नहीं बेटा, नीचे से ऊपर वाला कायरल एटम देखना है, सी एच टू एच क्या रहना चाहिए, नीचे रहना चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है ना, समझे? आया समझ में? चलो एक बताओ, ये सी एच ओ एच ओ एच ओ एच 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 ओ एच सी एच टू ओ एच और एच ओ एच, बताओ क्या होगा, राइट में तो डी है, इसको मैं बोला आराम से बताओ सोच के, जल्दीबाजी ना करो सर, फर्स्ट वाले में बाकी ओएच तो हम जज, बाकी ओएच नहीं देखना बेटा, सिर्फ नीचे वाला देखना है, समझे, ऊपर वाला नहीं देखेंगे, ऊपर सीएच होना चाहिए, समझे, क्या होगा, देखो भाई इसको देखना है ना,
तो पहली बात तो CHO क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, सॉरी CH2H है ना, ये तो ऊपर, ये पूरे को एक ग्रुप मान लो, ये तो ऊपर ही रहना चाहिए, ऊपर है, इसे मत छेड़ो बिल्कुल भी। अब छेड़ना किसको है, मैं इन्हें छेड़ना है। अब क्या करोगे इसमें, इवन इंटरचेंज कर दो, इसको यहाँ ले जाओ, इसको ले जाओ, फिर इनके साथ इंटरचेंज कर दो, ठीक बात है ना। पहले इसको और इसको इंटरचेंज करो, OH यहाँ आ गया, CH2H यहाँ चला गया, फिर इसको इसको इंटरचेंज कर दो, कर दूं यहाँ पर ही। चलो इसको तुम ले आए इधर, कर ही देते हैं यार, छोटा सही है इतना इतना। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, OH, यहाँ क्या आ गया H, यहाँ क्या आ गया CH2H, ये कहाँ पर है, तो क्या हो गया D हो गया, है आसान, बहुत आसान है, सेम ही दोनों सेम ही है हाँ। पर ये दिया होगा तो उसमें चेंज करके तो पता करोगे, सेम ही है दोनों, ठीक है भाई, हो गया, बिठा दूँ, चलो क्या, चलो देखो आगे, अब लिखो एपीमर, एपीमर, एपीमर क्या होते हैं, कोई भी एक कायरल एटम, बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें कायरल एटम 2, 3, 4, 5, 10 होते हैं, अगर किसी भी एक कायरल एटम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दें, किसी भी एक कायरल एटम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दें तो जो दूसरा बन जाता है वो एपीमर बनता है ना। जैसे देखो एपीमर CHO H OH OH H H OH H OH और चलो अब देखो ये कंपाउंड है, कायरल एटम है कितने, 1, 2, 3, 4, 4 कायरल एटम है। अब ये है CHO, आप इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो, OH इधर H इधर ले जाओ, बाकी सब एज इट इज रहने दो, एच ओ एच, एच ओ एच और ये सी एच टू ओ एच है, ठीक है। अब देखो आप क्या होगा, ये देखो ये कार्बन और ये कार्बन, बाकी सारे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, है इनका सेम है बिल्कुल, यहाँ पर ओ एच इधर था, अब ओ एच इधर है, इन दोनों को बोलते हैं C2 एपीमर, क्या बोलेंगे C2 एपीमर, ठीक है भाई, इनको बोलेंगे C2 एपीमर, सेकंड कायरल एटम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया तो क्या बोलेंगे C2 एपीमर, हाँ बिल्कुल सही है। देखो क्या बोलेंगे, नाम होगा इसका मैनोज, स्पेलिंग देखो क्या है, MANN मैनोज, और इसका नाम क्या है पहले वाले का, ग्लूकोज, ग्लूकोज है ना, तो वो क्या है मैनोज, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, C2 एपीमर, C2 मतलब ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके ये बन गया, तो दोनों में रिलेशन, ये दोनों क्या है C2 एपीमर। एपीमर क्या होते हैं दोबारा सुनो, ऐसे दो कंपाउंड जिसमें एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो, कौन सा कार्बन, कायरल कार्बन, कोई भी कायरल कार्बन हो सकता है ना, बिल्कुल ईजी है। और इसी तरह के कंपाउंड में फिशर प्रोजेक्शन में जिसमें दो या दो से ज्यादा कायरल एटम हो, किसी एक कायरल एटम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा तो उनको क्या बोलेंगे एपीमर। जैसे मान लिया हम फोर्थ का चेंज कर देते तो C4 एपीमर, ठीक है। अच्छा ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे या इनएक्टिव होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ठीक है। चलो नामकरण मैनोज है नाम इसका, हमने थोड़ा ना किया है, प्रॉपर्टी दोनों की डिफरेंट होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों की क्या होंगी, डिफरेंट होंगी है ना, तो क्या बोलेंगे दोनों को, डायस्टीरियोमर भी बोल सकते हैं, ये दोनों एनेंशियोमर होंगे क्या, ये दोनों एनेंशियोमर होंगे, पर स्टीरियो आइसोमर है, जो स्टीरियो आइसोमर एनेंशियोमर नहीं होते क्या बोलते हैं इनको, डाइस्टीरियोमर्स हैं ये, क्लियर है। चलो क्लास 11th में कम से कम यही पता चल गया कि डाइस्टीरियोमर्स क्या है, रेसिमिक मिक्सचर क्या है, तो क्लास 12th में इनके नाम आने हैं, जितना डिटेल में आपको पढ़ाया जा रहा है इतना डिटेल में आगे इसका यूज नहीं होगा, हाँ लेकिन IIT एडवांस में या तो एम्स तो रहा नहीं लेकिन KVPY में इस लेवल का आ जाता है। लिखो अब एनोमर्स, एनोमर्स क्या,
हाँ बता देता हूँ जी, एनोमर्स, एनोमर होते हैं बेटा जो साइक्लिक फॉर्म होती है ग्लूकोज की, ये हाँ मतलब ग्लूकोज की फॉर्म है पायरानोस, ग्लूकोज ही है ये होता है। देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है भाई तुम्हें, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो ये देखो ये अल्फा बीटा बता रहे हो, मैं नॉन मेडिकल वालों से पूछ रहा हूँ क्या डिफरेंस लग रहा है इसमें, बस इस कॉन्फ़िगरेशन, इस वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। देखो इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज या ग्लूकोपायरानोज, इसको बोला जाता है बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, ये ग्लूकोज की साइक्लिक फॉर्म है, इसको बोलते हैं हेवॉर्थ प्रोजेक्शन, हेवॉर्थ प्रोजेक्शन, इसको अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज पीना पड़ेगा आज। कुछ भी लिखते हैं अल्फा बीटा वाला बताना, एक बार बता देता हूँ भाई, देख ये ओ के बगल में ये साइक्लिक फॉर्म है ग्लूकोज की, कैसे बनेगी आगे मैकेनिज्म आएगा ना आगे जीओसी, तब मैं बताऊंगा कैसे बनी, पहले मैंने बनाया था स्ट्रेट चेन फिशर प्रोजेक्शन, वही अपने आप कन्वर्ट होता है साइक्लिक में, कैसे कन्वर्ट होता है वो जीओसी में पता चलता है। अभी ध्यान रखो ये भी ग्लूकोज है पर इसको अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं, ये जो ओ है ओ के बगल वाला कार्बन इसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, ये होता है एनोमेरिक कार्बन, ये है एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक एनोमेरिक कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस है बस, बाकी सब जगह सेम, यहाँ पर OH नीचे है और यहाँ OH ऊपर है, बाकी सब सेम। ऐसे दो कंपाउंड को, इन दोनों को बोलते हैं बस एनोमर, ये दोनों क्या हो गए, दे आर एनोमर, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, बस अभी ध्यान रखो ये दोनों एनोमर है बस, ये ओ के बगल वाला कार्बन ये बस, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना चाहिए तो बस एक ही टाइप के हो गए, यही इजी है एकदम। ओके बगल वाला कार्बन एनोमेरिक कार्बन, यहाँ पर OH नीचे उधर OH ऊपर है, ये दोनों मिला के क्या हो गए, इन दोनों क्या बोलेंगे, एनोमर, बस खत्म कहानी एनोमर। देखो आगे अच्छा हमने कैपिटल डी कैपिटल एल उसमें नहीं बताया, किसमें, अमीनो एसिड में है ना, वही बता देता हूँ अमीनो एसिड, भाई अमीनो एसिड क्या होते हैं सुन लो जरा, और यहाँ आर, वैसे एक अमीनो एसिड को छोड़कर सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, एक अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन, क्या होता है NH2 और ये CH2 और CH, ये होता है ना, ये है ना ग्लाइसिन, GLYCIN ग्लाइसिन, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसके अलावा सारे क्या होते हैं एक्टिव, बस R की जगह H आ गया तो वो ग्लाइसिन बन गया, ग्लाइसिन क्या होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। नॉन मेडिकल वाले परेशान मत होना, बहुत डिटेल में एक बार फिर आएगा ट्वेल्थ में, बस नाम तो पता चली जाए, कैपिटल डी कैपिटल एल क्या है, किन में होता है, कैसे पता करते हैं भाई, इतना नाम की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, सुन लो ध्यान से, अगर सी एच ऊपर है आर नीचे है, आर कोई भी एल्काइल ग्रुप सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री कोई भी एल्काइल ग्रुप, सी एच ऊपर आर नीचे है ये होना चाहिए, तो अगर एन एच टू राइट हैंड साइड में है तो कैपिटल डी, लेफ्ट हैंड साइड में है तो कैपिटल एल, अगर एन एच टू राइट हैंड साइड में है तो कैपिटल डी, लेफ्ट में है तो कैपिटल एल, पर कंडीशन क्या है,
सी एच ऊपर आर नीचे, ऐसा नहीं है तो क्या करोगे? इवन इंटरचेंज करेंगे, ऐसा नहीं है तो इवन इंटरचेंज करेंगे। हाँ ग्लाइसिन सिंपलेस्ट है। अच्छा अच्छा कैपिटल डी कैपिटल एल, भाई कैपिटल डी कैपिटल एल भी एक तरह से आइसोमर ही है, आइसोमर ही है ठीक है, पर इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है और अमीनो एसिड में कैपिटल डी कैपिटल एल बोल दिया। अब वो खुद तुम देख के बता सकते हो, देख ये और ये, ये क्या है? ये कैपिटल डी कैपिटल एल है, ये क्या होंगे? एनेंशियमर। पर ऐसा जरूरी नहीं है भाई, ये कैपिटल डी है मान लिया, हो सकता है डेक्स्ट्रो, और ये हो सकता है उल्टा भी हो, ये लीवो ये डेक्स्ट्रो ठीक है, पर ये दोनों कैपिटल डी कैपिटल एल क्या है? ये तो एनेंशियमर है, लेकिन कुछ डाइस्टीरोमर भी हो सकते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? अब लिखो, हो गया कैपिटल डी कैपिटल एल, स्मॉल डी स्मॉल एल है ना, ध्यान रखना स्मॉल डी स्मॉल एल कैपिटल डी कैपिटल एल में कोई रिलेशन नहीं है, नहीं है। हो सकता है कैपिटल डी स्मॉल डी भी हो, कैपिटल एल स्मॉल एल भी हो, इसका उल्टा भी हो सकता है ठीक है ना। चलो आगे देखो, ये क्वेश्चन लिख के दिखाओ मुझे, करके दिखाओ, क्वेश्चन दे रहा हूँ आंसर करके दिखाओ, मैट्रिक्स मैच करना है आपको। पहला ए ना, ए साथ साथ लिखो क्वेश्चन, बी ये है दो बार फिर एक बार फिर एक बार, इसके बाद P ऑप्टिकली एक्टिव, Q P CH3 ऑप्टिकली एक्टिव, Q ऑप्टिकली इन एक्टिव, PQ R PUS CUS ये है R PUS PUS मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, S है CUS मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री ठीक है, W है कैंसो कैंसो GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ठीक है, और W के बाद X X है कीटोइनोल सो करेगा क्या, X के बाद है Y, Y है प्रेजेंस ऑफ कायरल एटम कायरल कार्बन ठीक है, और Y के बाद Z है एब्सेंस ऑफ कायरल कार्बन, बताओ जरा अभी आपको मैच करना है। सर लास्ट वाला क्या लिखा है? लास्ट वाला बेटा एब्सेंस ऑफ कायरल कार्बन, ये प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन, ये कीटोइनोल ठीक है, और इट कैन सो जीआई, ये सेंट्रोसिमेट्री प्लेनोसिमेट्री ऑप्टिकली इनएक्टिव और ऑप्टिकली एक्टिव। पहला देखो, देखो फर्स्ट वाले में प्लेनोसिमेट्री आ रही है, ये ऐसे प्लेनोसिमेट्री, ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो इसका आंसर क्यू हो गया। तो जितना अभी तक पढ़ा है ना वो सारा इसमें यूज होगा, इसका क्या क्यू हो गया? आर प्लेनोसिमेट्री है, आर भी हो गया इसका,
सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गया, अरे बोलो सेंटर ऑफ सिमेट्री है नहीं है सेंटर ऑफ सिमेट्री? भाई यहाँ सेंटर देखोगे तो ये डिफरेंट आ रहा है, ये डिफरेंट आ रहा है। अब आगे है इट कैन सो जी आई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सो नहीं करेगा। अब आगे आओ कीटोन ऑल्सो करेगा, कैसे करेगा? बहुत बढ़िया, क्योंकि इसके अंदर गामा कार्बन है, अल्फा बीटा और गामा, जब अल्फा डबल बॉन्डेड होता है क्या देखते हैं? गामा, गामा कार्बन पे हाइड्रोजन है तो ये कीटोनॉल टोटोमेरिज्म सो करेगा, ये आपको पहले बता रखा है मैंने। तो इसका आंसर और क्या हो गया? एक्स है ना। प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन नहीं है, एब्सेंस ऑफ कायरल कार्बन है, जेड है। चलो आया समझ में भाई? बोलो जो पहले हमने सारा पढ़ा है उसी पे क्वेश्चन है ये सारा का सारा। यस नेक्स्ट बी पार्ट देखो, पहले ही देखो ये जो सिस्टम मैंने बताया था ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, क्यूमिलीन विद इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, याद करो क्यूमिलीन विद इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, अरे बताया था। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, अनसिमेट्रिक ग्रुप है नहीं, एच आर ये सी एच थ्री है या एच आर ये पूरा ग्रुप है, तो बताया था ये क्यूमिलीन विद इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, याद है? तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, पी आंसर हो गया इसका, ऑप्टिकली इनएक्टिव तो नहीं होगा। पीयूएस प्लेनर सिमेट्री है नहीं है, सेंट्रल सिमेट्री है नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा भाई, जी आई शो करेगा नहीं करेगा? ऑनलाइन जनता बोलो शो करेगा नहीं करेगा? यस, अरे ये डबल बॉन्ड हैगा, ये भी डबल बॉन्ड हैगा, और ठीक है तो आंसर आ गया पी के बाद डब्ल्यू। अब बताओ कीटोनॉल टोटोमेरिज्म नहीं करेगा, प्रेजेंस ऑफ कायरल एटम नहीं है, एब्सेंस ऑफ कायरल एटम है, तो जेड भी आ गया। अब यहां पर आ जाओ देखो ये कायरल एटम है तो ऑप्टिकली एक्टिव तो होगा, पी आंसर हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हट गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या ये? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा भाई, ये लोन पेयर है डबल बॉन्ड, ये देखो ये डिफरेंट है ना, ये अलग आ गया ये अलग आ गया, तो जी आई शो करेगा। क्या आंसर हो गया? डब्ल्यू हो गया। इसके बाद बताओ कीटोनॉल, कीटोनॉल सो नहीं करेगा, टोटोमेरिज्म तो सो करेगा, सी डबल बॉन्ड एन है पर कीटोनॉल नहीं। इसके बाद प्रेजेंस ऑफ कायरल एटम है, क्या हो गया? वाई हो गया बस। अब आ गया जाओ डी पार्ट, ऑप्टिकली एक्टिव है, पी आएगा इसका, ऑप्टिकली एक्टिव है, मैंने आपको बता रखा है यार, दो डबल बॉन्ड लगाता आ रहा हूं, एक जगह रिंग लिया और ग्रुप डिफरेंट कर दो तो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, देखना नोट्स एक बार अच्छे से, पी के बाद ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्लेनोसिमेट्री, सेंट्रोसिमेट्री, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, सेम आ गया। इसके बाद कीटोनॉल नहीं है, प्रेजेंस ऑफ कायरल एटम नहीं है, एब्सेंस ऑफ कायरल एटम जेड, पी जेड, ठीक है भाई हो गया? yes, आया समझ में? yes, क्यों जी सुख सो करेगा बताओ जरा, क्यों सो करेगा? नहीं करेगा, करेगा क्यों? देखिए सी डबल बॉन्ड एन है, कहाँ एच एच सी एच थ्री है, ये एच आर सी एच थ्री है, लेकिन यहाँ से निकल के जाओगे तो सेम ही आना है ना ये। अब फिर आप कहोगे हाँ देखो ये तो करेगा, इधर देखो अगर ये होता, ये बताओ ये सो करेगा जी? सो करेगा ना, दोनों अबव द प्लेन कर दो, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन कर दो, तो भाई ये भी तो ऐसे है, यहाँ सी एस थ्री और ये आ गया, लेकिन ये तो एस पी टू है ना, एक ही प्लेन में रहेगा, इसे अबव द प्लेन बिलो द प्लेन कर दोगे तो सेम ही बात है, परपेंडिकुलर ही रहेगा है ना। अब लिखो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स या नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर लिखो, या पहले नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर लिखो, ठीक है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ दोनों करते हैं, पहले बना के देखते हैं, फॉर्मूले बाद में करेंगे, पहले खुद बना के देखेंगे, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो में दोनों आ गए ना, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल है ना, फॉर्मूले भी हैं पर पहले बिना फॉर्मूले से करेंगे, नंबर ऑफ ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब स्टीरियो आइसोमर, नंबर ऑफ ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल मतलब स्टीरियो आइसोमर, कंफर्मेशन नहीं आएंगे,
उन्हें नहीं है, उनको आइसोलेट नहीं कर सकते, उनको काउंट नहीं करना तुम्हें, ठीक है? चलो मुझे बताओ पहले, आपको लिखो पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन जरूर रखना है आइसोमर में, साइक्लोपेंटेन के बताने हैं, तो टोटल बताओ फटाफट जल्दी करो, देखते हैं कौन बता पाता है जल्दी। देखो ये CH3 CH3 है, इसका एक तो मैं ये बना दूं, साइक्लोपेंटेन आपको रखना ही है, ये ध्यान रखना है, CH2 CH3 बना दूं, एक ये बना दूं CH3 और CH3, एक ये बना दे CH3 और CH3, ठीक है? मैं साइक्लोपेंटेन रखो, इथाइल को मिथाइल कन्वर्ट कर लो, साइक्लोपेंटेन रखना है, आइसोमर तो है ना डाइमिथाइल का, डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, बस साइक्लोपेंटेन तो आपको रखना है, बाकी उसके सारे आइसोमर बताने हैं, कितने होंगे टोटल बताओ भाई? 6 तेजस। देखो इसका कोई ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल बन सकता है क्या? इसका कोई ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल बन सकता है? नहीं बनेगा। इसका कोई ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल बन सकता है? नहीं बनेगा। कायरल है क्या ये? नहीं है। अब यहां देखो, यहां ये दो कायरल है ना, अब देखो इसके मैं बनाता हूं, ये तीन देखो, ये एक बन गया, ये दोनों बिलो द प्लेन है, या दोनों अबव द प्लेन कर दो, वो तो सेम ही होंगे, इसी से ये क्या है, ट्रांस है, पर ये ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है, कायरल एटम तो है इसमें, ये ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है, अरे बताओ, ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और क्या बोलेंगे इसको, मीजोफॉर्म, ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, पर ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नहीं है ना, तो जब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसकी दो फॉर्म बनेंगी, एक ये और एक इसकी मिरर इमेज, एक डेस्ट्रो और एक लिवो, एक ये और एक ये, अरे है तो यार ये, देख इसको ऐसा ना बना सकता तू, एक ही बात है ये, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो गई है, ठीक है, ये पीओएस नहीं है, बताओ कौन से वाले है ना, पर इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है क्या? हाँ, दोनों मिरर इमेज है, तो क्या हो गए, डिफरेंट ही तो हो गए, ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेज, दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए एनेंशियोमर्स, तो इसके कितने आइसोमर बोलोगे आप? तीन। इसके कितने आइसोमर बोलोगे? तीन। एक तो इनएक्टिव है, बाकी दो क्या है? एक्टिव है। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो गए इसके? तीन हो गए। इसके कितने होंगे? इसके भी तीन। इसके भी तीन होंगे, ऐसे बना लो। Yes, sir. भाई घर पे प्रैक्टिस कर लो साथ साथ, जो प्रैक्टिस कर रहा है उसको समझ में आ रहा है जल्दी से, जो नहीं कर रहा उसको नहीं आएगा, वो बस घूमता ही रह जाएगा, ये और इसकी मिरर इमेज, जो अबव द प्लेन है उसे बिलो कर देना, ये देखो ये दोनों तो क्या हो गए, ये क्या हो गए और ये क्या हो गया, मीजो, कितने बन गए इसके भी, तीन, ये तीन, तीन छह,
सात आठ, टोटल कितने होंगे? आठ। आया समझ में? नहीं आया? बोलो। हाँ, डैश ट्यूमर भी, डैश ट्यूमर, ये सब आ गए आपस में, एनेंशियोमा, डैश ट्यूमर, डैश ट्यूमर्स भी तो है ही ना। ये देखो, ये और ये आपस में डैश ट्यूमर्स है, ये और ये पढ़ा हुआ है हमने पहले, ये और ये डैश ट्यूमर्स है, ये और ये डैश ट्यूमर्स है, ठीक है ना। चलो आज क्लास इतनी, कल फिर करा दूंगा इस क्वेश्चन को।